उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश बिहार से चल करके आए हुए, ये मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार है। परिवार का अर्थ ये नहीं होता है कि हम जिस परिवार में जन्म लिए हैं वही मेरा परिवार है। बिरहा समाज हमारा परिवार है और बिरहा समाज का जो है पूजा के दिन जितना एकता और जितना लामबंदी बिरहा समाज के लोगों में मिलती है उतना किसी में नहीं मिलती। इसलिए सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे बीच में परिचय करवाना चाहेंगे श्री प्यारेलाल कवि जी, जिनकी कलम की ताकत ने बिरहा में एक आयाम पैदा किया। सामने इधर जरा कैमरा आप करेंगे श्री चोखन कवि जी, चोखन प्रसाद मंगर जी, जिन्होंने अपने कलम की ताकत से स्वर्गीय बुल्लू गुरु को भी गवाह करके और एक मुकाम हासिल करवाया था। और हमारे बीच में बैठी हुई है गीता त्यागी जी, जो बिरहा की सुपरस्टार गायिका, जिन्होंने बिरहा में एक भूचाल सलाह दिया था, इनके बाद ही सब लेडीज बिरहा में उपस्थित हुई हैं और इनका आगमन हुआ है। इन्होंने लीक तैयार किया था और हमारे साथ भी एक जैसे फिल्म इंडस्ट्री में माना जाता है वैसे एक जोड़ी मानी जाती थी उस जमाने में। हम तो क्या कहें, हम तो जोड़ी किसके साथ मेरी बनी आज तक पता ही नहीं चला मुझे। जोड़ी आती रहती है, जाती रहती है, सब प्यार आप लोगों का है। हमारे बीच में है आदरणीय श्री ठाकुर प्रसाद कवि जी, बहुत अच्छे लेखक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिनके लिखने की ताकत ने आपको बहुत अच्छी अच्छी गीतों को सुनाया है कविता की स्मृति के द्वारा। अभी हमारे बीच में एक नई गायिका उभरती हुई गायिका है, इनके पिता बहुत सुंदर हारमोनियम वादक हैं, शुभ नाम उनका क्या है, रामदयाल जी, उनका वादा भी हम सुने हैं। रामदयाल जी को मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि अपने बेटी को जो तालीम दे करके इन्होंने मेरे तरफ भी रखे, एकाध घुमाते रहा, तो जो तालीम दे करके अपनी बेटी को इन्होंने जो बिरहा समाज के लिए खड़ा किया है, मैं रामदयाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद मन से देता हूँ। और ऐसे शख्सियत को मैं सलाम भी करता हूँ कि हमारी बेटियाँ ये गलत है दुर्भावना की जो बात सोचते हैं कि ना हमारी बेटी ना गई, ना हमारी बेटी पुलिस में जाई, ना हमारी बेटी फौजी बनी। अब हमारी बेटियाँ अंतरिक्ष की सैर भी कर रही हैं, बॉर्डर पर सरहदों पर अब दुश्मन के सीनों को छेद रही हैं। हमारी बेटियां चूल्हा चौका तक नहीं है। ये रवीना रवि रंजन है, ये नई गायिका है और बहुत अच्छी गायिका है। इनके बगल में बैठी है निशा, निशा सिंह, ये भी बहुत बढ़िया रजनीगंधा की बहन है। उनके बगल में रजनीगंधा जी है, उनको तो आप लोग जानते हैं, वही चमक, वही दमक, वही धड़क, गाते गाते कभी कभी हमसे कुश्ती भी करने लगती है। बहुत 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 अच्छी गायिका, मतलब मंच पर कुश्ती करने लगती है, फरियाला ऐसे ऐसे, मतलब आप लोगों के आनंद के लिए। तो आनंद कहाँ है, आनंद वही है जहाँ समाज एक है, जहाँ समाज एक है वही आनंद है। और जहाँ समाज में फुटमत है वहाँ आनंद का कोई कारण कोई मतलब नहीं बनता, और वहाँ आनंद वहाँ कोसों दूर वहां से है। मैं ज्यादा कुछ न बोल के दो मिनट चाहूंगा जरा आशीर्वाद प्यार कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज गुरु गुरुमा के शुभ अवसर में ये बिरहा के जितने भी बगीचे के फूल हैं, माली के रूप में कवि जी लोग हैं, फूल के रूप में गायक लोग हैं, सभी लोगों को आशीर्वाद हम क्या देंगे, माँ सरस्वती जी से निहोरा करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हमारे बच्चों को इसी तरह से हरा भरा रखें, फुलवारी को हरा भरा रखें और गुरु लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे, देश का, राज्य का, गाँव का, परिवार का, गुरु का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में हमारे बीच में आदरणीय श्री जोखन प्रसाद मधुकर कवि जी हैं, मैं चाहूंगा कि उनकी तरफ कैमरा मुखातिब हो। मैं आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आए हुए जितने अतिथि हैं, जितने बिरहा कलाकार हैं, मैं सबको धन्यवाद चिरंजीवी शुभकामना देते हुए मैं विजयलाल जी के जीवन की कामना के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी मकबूलियत, आपकी इंसानियत, आपकी माजूबियत बने रहे, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। और हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय श्री ठाकुर प्रसाद कवि जी, बहुत अच्छे लेखक हैं, जो रवीना रवि रंजन के साथ गाते भी हैं, गवाते भी हैं। मैं चाहूंगा दो शब्द आप भी आशीर्वाद दें बच्चों को। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं सभी कलाकार एवं कवि जी यहाँ पर बिरहा सम्राट विजयलाल यादव जी को जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको सुखी जीवन रखें, मैं शुभकामना देता हूँ सबको। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा बिरहा समाज है साथियों, और ये हमारे लोग हैं, और ये हमारा परिवार है। और मैं जितना कहूँ कम है, आप सुनते रह जाएंगे, थक जाएंगे सुनते सुनते, लेकिन हम नहीं थकते, इसलिए नहीं थकते कि आप लोगों ने मुझे ऐसा नवाजा है।
मैं खुद ही नहीं पता पाता कि मैं क्या हूं। इतना बड़ा एक्सीडेंट और ऐसे निकाल करके भगवती बाहर रख देती है, गाड़ी चूर चूर हो जाती है और मेरी एक भी हड्डी कहीं से क्रेक नहीं हुई है। माँ कसम आपके आशीर्वाद का ये सबसे बड़ा जो है तोहफा है अमीरा। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू, धन्यवाद। गुरु पूजा पर गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करेंगे और साथ ही साथ जयकारा बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। कितना बजे करेंगे?